मुझे मालूम नहीं मेरे बैग में कहाँ से आया। झूठ बोल रही है, झूठ पे झूठ बोलने जा रही है तू। क्या समझती है तू, अंधा हूँ मैं? क्या पट्टियाँ पढ़ा रहे हो तुम मेरे भाई? क्या पट्टियाँ पढ़ा रहे हो? मैं कौन सी पट्टियाँ पढ़ाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा था। तुम पूछ लो आदिल भाई से, बताए ना आप। खूब जानती हूँ मैं तुम्हें, अपनी लिमिट में रहा करो तुम। बुरी बात है ना आसरा, शौहर से ऐसी बात नहीं करते। प्लीज ऐसा ना करें, वो मर जाएगी। बहुत छोटा दिल है उसका। दिल बहुत छोटा है उसका, लेकिन कारनामे बड़े बड़े हैं उसके। क्या समझी तू? मेरे हाथ तो हमेशा इस घर में बंधे ही रहे, और अब तो जैसे लोहे की जंजीरों में जकड़ गए हैं। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ दुआ कर सकती हूँ कि तुम खुश रहो। उर्वा बेटा, तुम चल रही हो मेरे साथ बाजार? अपनी पसंद के कपड़े ले लेना। नहीं अम्मी, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मुर्दे ने तो एक ही लिबास पहनना होता है अम्मी, लट्ठे का सफेद कफन। अच्छा भाई, मैंने तो सोच लिया, मुझे एक रेड कलर का चाहिए, एक पिंक कलर का चाहिए, और साथ में मुझे वो ग्रीन दुपट्टा भी चाहिए उसके। ठीक है अम्मी? ठीक है। ये लो अम्मा, हमारे बरी के लिए। और इसमें जेवर के पैसे नहीं है, जेवर तो मैं एक दिन में ले आऊंगा। हाय मेरा चांद, कुर्बान जाऊं। दिखाना अम्मा कितने का। इतने पैसे, पूरा शहर खरीदना है क्या भाई? अरे तेरे भाई की शादी है, देखो कमी ना रह जाए। हाँ लेकिन इतने ज्यादा खर्च करने की क्या जरूरत है, पहले से इतना खर्च करेंगे तो शादी के बाद आके बहुत महंगी महंगी चीजों की फरमाइश करेगी वो। तो हमें कोई पैसों की कमी है, क्यों ना खर्च करें हम? अरे अम्मा, इस तरह आने से पहले ही आदतें खराब हो जाएंगी। कहती तो तू ठीक है वैसे बेटी, लेकिन अम्मा हमारी भी कोई इज्जत है। बरी जाएगी, 10 लोग देखेंगे, 10 उनके देखेंगे, 10 हमारे देखेंगे। को हल्की चीज निकली तो क्या क्या सोचेंगे लोग हैं? भाई आप छोड़ दें इन बातों को। क्या तो ये भी ठीक रहा है। ठीक है, सर चढ़ाए उन कंगलों को, बरी देख के आंखें फट जाएंगी उन लोगों की। तो तुझे क्यों तकलीफ हो रही है अच्छी बरी बनाने पर, तू क्यों नहीं चुप कर जाती? मुझे क्यों तकलीफ होगी, आग लगाए इन पैसों को। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि इतना पैसा देख के लड़कियां अपनी औकात आने से पहले ही भूल जाती हैं। अरे नहीं भूलती औकात, अब मुझे आता है ना औकात में रखना है अम्मा। जा मेरा चांद। सलामुलेकुम। सबके जाऊं, किस कदर समझदार बच्चा है मेरा, और ये के बोले चली जा रही है, बोले चली जा रही है। देख लेना अम्मा, जब आएगी ना तो सिर्फ चार चीजें लाएगी, चाहे उसमें वो भी टके की। चुप कर जा, जबान बंद कर ले अपनी। पागल कर दिया मुझे इस लड़की ने बोल बोल के। बस्तावर, उर्वा की शादी की तैयारी शुरू कर दी? हाँ जायदा, बस कुछ कुछ हो ही रही है। बस्तावर ये कुछ पैसे हैं उर्वा की शादी के लिए। ये मुझे दे दो, शुक्रिया। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है, हमारा कोई फर्ज नहीं। ऐसी बात नहीं है जायदा, उर्वा के अब्बा कर ही रहे हैं तैयारी। हाँ जरूर कर रहे होंगे, लेकिन ये हमारी तरफ से। अरे छोड़िए इसको, इसको क्या पता कि कितने हजारों खर्चे होते हैं बच्चों की शादी में। अच्छी माँ होती ना तो बेटियों के पैदा होते ही जहेज जमा शुरू कर देती। मजाल है जो एक धज्जी भी बचाई हो इसने अपने बच्चों के लिए। नहीं नहीं, वो ट्यूशन के पैसों से कुछ कपड़े और छोटी मोटी चीजें बनाकर रखी है मैंने। और बता, और बता, और बता दे इसे कि मैं तेरी बच्चों के लिए कुछ नहीं करता हूँ। असगर, ताबर का ये मतलब नहीं था। अरे मैं जानता हूँ क्या मतलब था इसका, ये जितनी बाहर है ना उतनी अंदर भी है। बड़ी गुन्नी है ये, मीसी शक्ल बना के बैठी रहती है, लेकिन अंदर से बड़ी बड़ी बातें कर लेती है ये।
चोरी कर रहे थे तुम? इसका मतलब उस रोज अब्बा की जेब से पैसे भी तुमने ही निकाले थे। खैर हमें तो यकीन ही था, लेकिन बस अब्बा के डर की वजह से हम सब चुप हो गए थे। बकवास मत करो, इल्जाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है मुझ पर। मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है और ये नोट जो यहाँ पड़े हुए इस बात का सबूत देते हैं। क्या है? देखे अपनी बेटी को, एक तो चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है इसको मैंने, देखे नोट भी इसके हाथ में है। छोटे बकार मुंह पे झूठ बोल रहे हो। अम्मी मैं आपको सच बताती हूँ कि सच बात क्या थी। मैं कमरे में अंदर आई तो ये पैसे निकाल रहा था अलमारी से, जब मैंने इसे आवाज दी तो इसने घबरा के पैसे नीचे फेंक दिए तो मैंने उठा लिए। मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं, हर माँ अच्छी तरह जानती है कि उसकी कौन सी औलाद किस हद तक जा सकती है। तो आप क्या कह रही हैं? पैसे मैं चुरा रहा था। तो और किसने चुराए? ठीक है लगाए इल्जाम मुझ पर, मैं अब्बा से आप दोनों की शिकायत लगाता हूँ, वो ही सही रखते हैं आप दोनों को। पता नहीं क्या क्या छूट जाके बोलेगा अब्बा को। तेरे अब्बा ने भी इस लड़के को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब मम्मी आप एक नए मार्के के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि ये इंसान इतनी आसानी से नहीं बैठने वाला। दूसरे अब्बा तैयार हो रहे हम सबके लिए। समझा लें घर वालों को, गलती खुद करते हैं इल्जाम मुझ पर लगा देते हैं। घर जाके समझाएं उन्हें वरना मैं खुद समझा दूंगा। बात सुन, दो मिनट रुक जा, फारिग होने दे मुझे। भाई साहब 575 रुपए निकालो। बड़े पैसे बना दिए बड़े साहब। जान के बनाएगा, पहला तो तूने भर लिया। तो क्या करूं, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। अच्छा पैसे निकाल जब पता है तो। दे रहा हूं, दे रहा हूं। अब्बा मेरी भी तो बात सुन ले। रुक जाना एक मिनट। आए 1000 रुपए, चल 475 रुपए बाद में दे दियो। ठीक है चल। मेरी इज्जत की कोई परवाह नहीं है आपको? अरे तेरी इज्जत की बहुत परवाह है मुझे, तभी तो कह रहा हूँ बात सुन लिया कर। दूसरों की ज्यादा पड़ी हुई है आपको। मुझे तेरी पड़ी हुई है, मैं नहीं चाहता कि मेरा इकलौता बेटा पूरे शहर में जलील होता फिरे, नाम है मेरा कुछ। हाँ बोल, अब बोल क्या बात है। किसी से भी हो क्या फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता, अभी तो तुम्हारी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई और तुमको अभी शायरी की दुनिया में बहुत आगे जाना है। ये लोग तुम्हें रोकेंगे तो तुम रुक जाओगी, लोगों को अपनी इतनी खूबसूरत शायरी से महरूम रखोगी। राहत बाजी, मैंने खुद को समझा लिया है, प्लीज इस राख को मत खुले दे। और इस आग को बुझ जाने दूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। किसी को भी तुम पर और तुम्हारी सलाहियतों पर पाबंदी लगाने का कोई हक नहीं है, चाहे वो तुम्हारे माँ बाप क्यों ना हो। लड़कियों के तो सारे इख्तियारात पहले उसके माँ बाप के पास होते, फिर उसके शोहर के पास। औरत को इतना कमजोर ना बनाओ अरवा। प्लीज राहत बाजी, इस बहस का कोई फायदा नहीं, मैं तो पहले भी कमजोर थी और अब तो। अम्मा मैंने ना करीना जैसे झुमके बनाने। अरे बना दूंगी, सबर किया कर, और खुद ही खाते जा रही है, उसको भी पूछ रहे ना, देख रहा बेचारा हसरत से। वो तो है ही नहीं अति। किससे खा रही अम्मा? आए भाई बड़े कंगले लोग हैं तेरे ससुराल वाले। अब क्या हो गया अम्मा? है तेरे ससुर का फोन आया था कल, कहने लगे कि जी बारात में सिर्फ 20 या 25 लोग होने चाहिए, हैं? और रुखसती भी घर से होगी और कोई धूम धड़क्का नहीं होगा। ऐसा लग रहा है लड़की बयान ही रहे बल्कि सर से बला टाल रहे हैं। अच्छा ना अम्मा, हमारा कौन सा बड़ा खानदान है? हाय हाय, हजारों मिलने जुलने वाले लोग हैं हमारे भैया, घर को पूछेंगे कि लड़की ब्याह के लाए हो या भगा के ले आए हो चुप चुपा के। अम्मा वलीमे में कर लेना धूम धड़का, मजबूरी होगी ना उनकी कोई। अरे बिट्टू मैं देख रही हूँ बेटा कि तू अभी से ही उन ससुराल वालों का हो गया, कितनी हिमायत कर रहे हैं उनकी तू। मैंने तो कहा था अम्मा शादी हुई नहीं और भाई हाथ से गया।
अरे तुम क्यों बिला वजह जलती में तेल डाल रही हो? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं कोई बीज मार लूं क्या? अरे नहीं नहीं, वो तो मजाक कर रहा है। कोई छेड़ता था तू हर वक्त उसको? अरे आदिल भाई, अपनी बीवी को नहीं छेड़ूंगा तो फिर किसको छेड़ूंगा मैं? अरे फजूल करो, बंद करो, चोर चलो को अपनी ही लगी है तुम लोगों को। मैं कह दूं तेरे ससुर को क्या जवाब दूं मैं? अम्मा करना तो वही पड़ेगा ना जो उन्होंने कहा है। क्या फर्क पड़ता है, छोटी सी तो बात है। अबे वो बेमानी करना बंद कर, ये हाथ तो मैं ही जीतूंगा। चल बे चल, बड़ा आया जीतने वाला। सारे पैसे खत्म हो गए यार, अगली दफा पैसे नहीं दे सकूंगा। तो फिर खेलता क्यों तू? यार इस दफा माफ कर दो, अगली दफा सारे दे दूंगा वापस। अपने उस मालदार कजन से कुछ उधार ले लिया कर जो इतनी बड़ी गाड़ी में आता है। तोड़ो यार, ऐसे रिश्तेदार सिर्फ नसीहत करने के लिए होते हैं और किसी काम के नहीं। इतना तेरे रिश्तेदार भी नकारा है। हमें सुना है तेरे घर में शादी है, दोस्तों को दावत नहीं देगा? कहाँ की शादी यार, अब्बा भी बस सर से बोझ ही उतार रहे। फिर भी खाना शाना तो खिलवाओ यार, क्या हो गया? कौन सा खाना भाई, कोई खाना नहीं है। घर वालों के लिए बस शरबत की ऊपरी रुखसती हो रही है। अब पता चला तू इतना खसीस क्यों है, खानदानी आदत है ना। जाने दो यार, जेब में पैसे होंगे तो कुछ भरूंगा ना, पत्ते तो बांटो। अबे जा भाई जा, पहले पिछला हिसाब क्लियर कर फिर बात करना, समझा? हाय आदिल बेटा, कल शाम को बरी पहुंचाने जाना है। अम्मा मैं कह रहा था कि तुम और नासर तनवीर के साथ चली आना, ज्यादा चमगटा लगाना अच्छी बात नहीं होगी। अरे उन्होंने हमें कौन सा बुला लिया है? अरे पता नहीं कैसी रोती धोती शादी है। अरे मेरे तो दिल के अरमान दिल ही में रह गए। अरे अम्मा एक बार अपनी बहू को घर लाना, सारे अरमान पूरे कर लेना। अरे वो तो मैं कर ही लूंगी, लेकिन शादी से पहले देखना बेटा कुछ रसूमात होती हैं। लेकिन तुम्हारे ससुराल वालों का अगर बस चले तो लड़की को तीन कपड़ों में थमा दे। तो मैंने खुद मना किया था अम्मा ने कोई भी फजूल खर्ची करने के लिए। कब? कल फोन किया था मैंने, उर्वा के वालिद से बात की थी। अरे दिमाग तो ठीक है तेरा, क्या कह दिया तूने ऐसा उनको? कुछ नहीं माँ, मैंने कहा कि हमें फर्नीचर वगैरह की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने कुछ जोड़े और एक सेट बनवाया हुआ है, वही मैंने कह दिया कि अपनी दूसरी बेटियों को दे देना, लेकिन मानी नहीं। शाबाश है बिट्टू बेटा, शाबाश है तेरी, तू तो अभी से ससुराल वालों का हो गया। अरे उन्हीं का फायदा सोचने लगा तू तो। अरे अम्मा हमें कौन सी कमी है, और वो जो फर्नीचर देते मामूली क्वालिटी का होता, कहाँ रखते उसे हम? लोग हमारे घर में आते तो हमें शर्म आती दिखाते हुए। हाँ ये तो तू ठीक कह रहा है वैसे। अरे अम्मा मैंने अपने कमरे के लिए जो बेड बनवाया ना, वो बेड कम जहाँ ज्यादा लगता है मान से। कल दोपहर तक आ रहा। अच्छा जी, अभी बीवी घर पे आई नहीं और इस्तकबाल की तैयारियां पहले से शुरू हो गई हैं? अरे देखो मामूली बात है, बेगम किश्वर जहाँ की इकलौती बहू है। हट परे, खुश आमदी ना हो तो। अम्मा देखना ऐसा सेट लगाऊंगा मेरी स्टेज के ऊपर ना। हैं मान दे, चल ठीक है। अच्छी अच्छी खासी बरी बनाई है इन लोगों ने उर्वा की। कम से कम आप तो गलत बयानी ना करें, क्या ये चीजें ये कपड़े वाकई उर्वा के काबिल है कि वो इन्हें पहने? क्यों, क्या खराबी है इनमें? क्या आप उर्वा का टेस्ट नहीं जानते? उर्वा को कितने सॉफ्ट और डिसेंट कलर्स पसंद है हमेशा से, और अगर उर्वा इस तरह के कपड़े पहन भी लेगी तो अपने दिल को मार के। अरे बेटा जिंदगी पड़ी है, बनाती रहेगी अपनी मर्जी के कपड़े, बाद में आदत भी तो हो जाएगी उसे इस तरह की चीजें पहनने की। अच्छा बस उसके सामने कुछ मत कहना, खामखा में उसका दिल खराब होगा। अम्मी अगर कोई मेरे लिए इस तरह की बरी लेके आया होता ना, तो मैं बाहर सहन में जाके इसे आग लगा देती। कोई आग नहीं लगाता ससुराल से आई हुई चीजों को, सब पहननी पड़ती हैं। अच्छा चलो जाओ,
जाकर खाना लगाओ। शाबाश। सही तरह से बेटा नीचे रखो, नीचे रखो। शाबाश। अच्छा नीचे जाके बोलो कि चाय बनाए साहब के लिए। ठीक है। क्यों आदल भाई, कैसा लग रहा है ये सब? अच्छा यार, थोड़ी सी कमी है। हाँ बस अब तो भाभी की कमी है। वो तो पूरी हो जाएगी कल। आदल भाई बड़े इंतजार के बाद ये दिन आ रहा है। हाँ यार इंतजार तो मैंने बहुत किया। एक बात कहूँ आदिल भाई आपसे? बोलो बोलो। आदिल भाई जब तुम्हारी शादी हो जाए ना तो अपनी बीवी और माँ बहन के हकूक में तुमने ही तवाजुन रखना। क्या हुआ समझ में नहीं आया? इतनी जल्दी थोड़ी समझ में आया करता है। ये देखो ताज, ताज है पूरा। पूछा है बहुत बहुत अच्छा। भाई आदिल भाई इधर आइए। आदिल भाई आराम से। अरे एक जगह टिक्के खड़े होंगे तो बनेगा ना। आदिल हिलिएगा नहीं, हिलिएगा नहीं। अभी आदिल भाई अभी बन जाता है, अभी जा रहे हैं हम। आप परेशान क्यों हो रहे हैं? एक मिनट आदिल भाई। हाँ आराम से। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं कुर्बान जाऊं, कितना प्यारा लग रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े जच रहे हैं आदिल भाई। अभी नजर ना लगा दो मेरे बिट्टू को तुम ऐसी बातें करके। अम्मा आप चले भी देर हो रही है, वरना फिर आदिल भाई के ससुर कोई ताना कस देंगे। आए रहने दे बेटी, मैं जी भर के देख तो लूं अपने मर्दाना वजाहत के नमूने को। अल्लाह अल्लाह करके तो ये दिन आया है। गुरबानो किस कदर हसीन लग रहा है माशाल्लाह, मेरी नजर ना लग जाए कहीं। अरे अम्मा देखती रहिएगा देखते रहिएगा। नासरा बिल्कुल ठीक कह रही है, वो लोग हमारे इंतजार कर रहे होंगे। करते रहे इंतजार, हमें कोई उनका डर पड़ा है? हम आए ना। अम्मा जाएंगी नहीं तो अपनी बहू को कैसे लाएंगी? देख रही होगी। हाँ यार कितना मामला हो रहा है। चले चलती हो, आ जा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आ जा मेरी साथ, आ जा। अम्मा नजर नहीं आ रहा कुछ। कोई बात नहीं। अरे यार आदिल भाई अगर गर्मी थी इनके घर में, तौबा कूलर भी नहीं बेचारों के, तो क्या किया जाए। एसी में आई हूँ। हाय तो जान में जान आई, कपड़े बदले कुछ होश आया है। हाँ अम्मा मुझे भी कपड़े कांटे की तरह चुभ रहे थे, चेंज किए तो चैन आया है। अब अम्मा हमारी तरफ का सेट कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ भाई बहुत, हमने तो बेटी दोनों सेट ही बड़े कीमती बनवाए हैं। हाँ भाई सोना दो तो ऐसा दो कि नजर है खाली पड़ते ना हो सोने की। हाँ अरे भाई तुमने भाभी से खाने का पूछा कि नहीं? पता नहीं खाया भी है कि नहीं। मुझे क्या जरूरत पड़ी थी पूछने की, खा लिया होगा, अब तक भूखी थोड़ी रही होंगी।
भाभी आपने खाना खाया कि नहीं? मेरा ख्याल है हम लोगों को चलना चाहिए, काफी देर हो गई है, अब सोने का वक्त हो गया। चलें चलें, अच्छा फिर हम तो चलते हैं। चलो जी जा आराम कर लो तुम लोग हैं, सुबह मुलाकात होगी। बैठिए अतुल भाई। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मुझे आप जैसी बीवी मिलेगी। मुझे मुझे पता है मैं आपके काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं आपको खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। ये मैं आपके लिए लाया था, पेन। मम्मी मैंने सारे बर्तन धो के रख दिए। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि रुखसती खैर खैरियत से हो गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा था। किस बात का डर? शायदा अगर वो लड़का आ जाता तो क्या इज्जत रह जाती। आप लोग इस बात को भूल क्यों नहीं जाते? ऐसी कोई बात नहीं है, ये महज एक गलत फहमी थी। लेकिन तुम्हारे अब्बू तो नहीं समझते ना, इसीलिए उन्होंने मेरी बेटी को। बड़ा जुल्म हुआ है इस लड़की पे। कैसे कटेगी इसकी पहाड़ से जिंदगी? कितना समझाया था उसे कि कुछ तो आवाज उठाए, कुछ तो कहे अपने लिए, लेकिन वो तो बुत बन के बैठ गई थी। अल्लाह उसकी ताबेदारी का उसे अजर दे। आमीन। साहिदा तुम रात यहीं रुक जाओ ना, सुबह चली जाना, इतनी रात तो हो गई है। नहीं, मुझे जाना है क्योंकि शाम को सुबह दफ्तर भी जाना है, मुझे जाना पड़ेगा, फिर आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बाकी देर हो। खुदा हाफिज़। जो बाहर तक छोड़ कर आओ। सुबह सुबह क्यों आई हो? कब तक सोने का इरादा है भाई? क्या बदतमीजी है, जाओ यहां से। अम्मा, क्यों रोए जा रही हो? बताती क्यों नहीं तू? जाके ना अपने बेटे से पूछे। अभी एक दिन शादी को हुआ नहीं और बहन बुरी लगने लग गई है, कैसे अपनी नई नवेली बीवी के सामने मुझे झिड़क दिया। हाय, बिट्टू ने तुझे डांटा? हाय, आखिर ऐसा क्या कर दिया था तूने? मैं तो बस नाश्ते के लिए उठाने के लिए गई थी। अरे बेटी, तुझे किसने कहा था जाके तू उस नई नवेली दुल्हन को उठा ले सुबह सुबह? है सोने देती बेचारों को, आराम करने देती? हाँ हाँ ठीक है, वो तो है ही बेचारे, चढ़ा ले उनको सर पे बरते नरमी, सारी जिंदगी सर पे बैठ के नाचेगी वो, देखना। याद नहीं तुझे अपना वक्त जब अगले दिन 12 बजे सो के उठी थी?
अम्मा ये मेरा ना मैका है, ससुराल में रहने के तौर तरीके दूसरे होते। अच्छा चल बहुत हो गया, बस रोना धोना, अब उठा दिया ना उसको तो जाके नाश्ते वास्ते का इंतजाम कर उसके लिए। चलो शाबाश जाओ। मैं क्यों बनाऊ नाश्ता, नौकरू क्या उनकी? अरे मेरे खुदाया, नई नवेली दुल्हन है भैया, उठ के क्या नाश्ता बनाएगी सुबह सुबह? मुझे तो लगता है उस नई नवेली बहू के आते मेरी कोई वैल्यू ही नहीं रही अब इस घर में। हाय हाय लड़की, तुझे क्यों नहीं समझ आ रही मेरी बात की, मेरे प्रोग्राम की तुझे क्यों नहीं समझ आ रही? मैं अगर आते के साथ उससे काम करवाऊंगी ना तो बिट्टू बेचारा क्या सोचेगा, कितनी मैल आ जाएगी उसके दिल में। हाय हाय सब्र तो कर ले जरा, चार दिन गुजर लेने दे, फिर तू देख करती जाऊ। अरे वाह माँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, मुझे नहीं मालूम था मेरी अम्मा इतनी समझदार है। तूने अपनी माँ को अभी जाना ही कहा है। सही सही सही, मैं नाश्ता बना। हाँ जा शाबाश मेरी बेटी। आप दुआ कीजिएगा कि उर्वा की नई जिंदगी की ये सुबह इसके लिए खुशगवार साबित हो। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा इंतजार करवाया तुमने, इतनी देर क्या हुई? अम्मा भी तो 9 बजे है। नई दुल्हन के लिए सुबह 9 बजे कमरे से निकलना ही बहुत होता है, अगर वो समझे तो। अरे भाभी आप खड़ी क्यों, बैठिए ना प्लीज, अंदर लीजिए। अच्छी बात है। क्या खिला रही हो आज नाश्ते में? क्या बात है, आज मुंह फूला हुआ? हाँ मेरा मुंह तो है ही सदा का ऐसा, और आपको तो मेरी इज्जत का एहसास ही नहीं है, सबके सामने डांट दिया। भाई तुम कोतवाल की तरह सुबह सुबह जगाने आ गई थी, यही हो रहा था। सोच तो लेते भाभी के सामने डांटते हुए, वो तो यही समझेगी ना कि इस घर में मेरी कोई इज्जत कोई औकात नहीं है। अरे कोई कैसे सोच सकता है मेरी बेटी के बारे में, पूरा घर उसका है, चाहे कोई भी आ जाए। आपके घर वाले कब आएंगे आपको लेने के लिए? बस आते ही होंगे। हाँ आप तो लेने ही आएंगे खाली खुली, नाश्ता तो हम कर ही चुके हैं। ये भाभी लीजिए प्लीज लीजिए। ऐसे क्या देख रही हो? क्या अब्बा ने ठीक फैसला किया है? तुम्हें क्या लगता है? तुम मुस्कुरा तो रही हो लेकिन तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दे रही। तुम ये बिला वजह की मफरूजे मत कायम क्या करो। और ये तुम्हारी बुझी हुई जबरदस्ती की मुस्कुराहट सारी कहानी कह रही है।
शिवा मैं बहुत खुश हूँ इन भारी कड़ों की वजह से नहीं आदिल की वजह से तुम्हें तो पता है मुझे इन कंगन और इन कपड़ों में कोई दिलचस्पी नहीं है तो क्या आदिल भाई तुम्हारे लिए अच्छे साबित हुए बेशक आदिल मेरी सोच से बहुत मुख्तलिफ है लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट है क्या जिंदगी गुजारने के लिए काफी नहीं है लेकिन उर्वा तुम्हारे ख्वाब ख्वाबों का क्या है ख्वाब तो टूटने के लिए होते हैं खैर चलो मैं जाती हूँ देखो अम्मी और पप्पू कहाँ हैं हाय मैं तो ये कह रही हूँ सच्चे दिल की बात है मैं झूठ नहीं बोल रही बिल्कुल भी तनवीर देख मेरी तरफ मैं क्या कह रही हूँ सुन ले खाने में तू लगा 24 घंटे लगा रहता है अम्मा 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 रुबा को लेने कब जाएंगे लगता है आदिल भाई का दिल नहीं लग रहा भाभी के बगैर नहीं ऐसी बात भी नहीं है भाई कोई ना कोई तो जाएगा ना लेने आज चले जाइयो ऐसी भी क्या जल्दी है और वलीमा तो कल है ना भाई अच्छा जैसा तुम बोलो अम्मा लगता है आदिल भाई को एक ही दिन में भाभी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है अम्मा हाँ तो है ही इतनी अच्छी इतनी पढ़ी लिखी हैं सुलझी हुई हैं ऐसी लड़कियां तो चराग ढूंढने से भी नहीं मिलती अम्मा अम्मा मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद आई है तुम ना अपना मुंह बंद रखो बेला तो ज्यादा तारीफों के पुल बांधने की जरूरत नहीं है घर की बहुएं ना इस तरह की तारीफें सुन के बिगड़ जाती हैं मैं ऐसी नहीं है वो मैंने तो एक रात में अंदाजा लगा लिया हाय हाय बेटा ये जो आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं ना ये चार दिन में ही अपने रंग दिखा देती हैं इसीलिए इनको कस के रखना चाहिए बेचारी ने एक दिन तो गुजारा हमारे यहाँ उसमें भी मैं कस दूं उसको अरे मेरे चांद मैं तुझे यही तो समझा रही हूँ यही तो बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कम उम्र और खूबसूरत बीवी को देख के पागल ना हो जाइयो कहीं अरे अम्मा मुझे पता है बीवियों को कैसे रखना तनवीर नहीं हूँ मैं मुझे क्यों तंज कर रहे हैं आप मैंने कुछ कहा है आपको आए बड़े मैं जा रहा हूँ अम्मा खुद ही ले आता हूँ हाँ जा जा लिया जाके लिया देखी अम्मा आपने कैसे भाई हाथों से निकले जा रहे सही कह रही है मेरी बेटी मैं क्या करूं लेकिन मैं भी कोई कमजोर औरत नहीं हूं कि बहू और बेटे की डोरियां ना कस सकूं किश्वर जहां है नाम मेरा वो कपड़े इसलिए कर दिए थे तुमने मेरे चुप करो आप बहुत खामोश रहती हैं नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप मुझसे शादी करने के बाद खामोश हो गए नहीं ऐसी कोई बात नहीं ये शादी आपकी पसंद से तो हुई है ना ये सवाल आपने क्यों किया नहीं वो मैंने सोचा आप हर चीज में मुझसे बहुत बेहतर हैं तालीम शक्ल सूरत उम्र ऐसा क्यों सोच रहे हैं मर्द का दर्जा वैसे भी शोहर बन के बीवी की नजरों में ऊंचा हो जाता है आप मेरे शोहर हैं मुझसे कहीं बढ़ता है आपकी सोच बहुत अच्छी है उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे नबी भी तो कितने बड़े थे बीबी आयशा से और वो कितना मोहब्बत करती थी उनसे वो तो दुनिया के सबसे अच्छे इंसान थे ना हाँ उनके जैसा कोई बन तो नहीं सकता लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं आप बहुत अच्छी है
सुनिए, मैं कह रही थी कि उर्वा की शादी तो हो गई खैर से, अब मुझे अनम की फिक्र है। जाहिदा अपने बेटे के लिए हमारी बेटी का रिश्ता चाहती थी, आप उससे अनम के लिए बात करें ना। तुम्हारी बेटी ने इस लायक छोड़ा कहाँ है जब किसी से बात कर सकूं मैं? वो मामला तो अब खत्म हो गया, उसके किए की सजा बाकियों को तो नहीं दी जा सकती। यही तो होता है बख्तावर बेगम, एक करता है सारे भुगतने। ऐसा ना हो कि हम ना कहें तो वो हसाम का रिश्ता कहीं और तय करते, असल में तो वो उर्वा के लिए चाहते थे। ना समझती वो हम लोगों की तरह, कहीं हमसे जल्दबाजी या ज्यादती तो नहीं होगी उर्वा के साथ। मेरा मतलब है, हो सकता है वो लड़का खुद ही पीछे ना पड़ गया उसके। बस सारी जिंदगी अपनी बेटियों के ऐप ढांकना तुम, तभी वो उछालती फिर रही है पूरी दुनिया में हमारी इज्जत का जनाजा। बहुत अच्छा दौर था, मैं तो कहता हूं कि जब बेटियों के पैदा होते ही दफना दिया करते थे। कम से कम माँ बाप सुकून की नींद सोते थे। तुमको आइसक्रीम कौन सी पसंद है? वो देर हो जाएगी। नहीं नहीं देर क्यों होगी, आइसक्रीम खाने में देर थोड़ी लगती है। अम्मा खफा ना हो ना, वो हमारा खाने पे इंतजार कर रही होंगी। उन्हें बताने को किसने कहा है? तो उनसे क्या कहेंगे, क्यों देर हुई? कह देंगे कि तुम्हारे यहाँ से देर से निकले। आप अपनी अम्मा से झूठ बोलते? भाई वो इतनी बेजा सख्तियां ना करें तो मुझे क्या पड़ी झूठ बोलूं, मसला तो बोलना पड़ता है। फिर भी हमें उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अरे कुछ नहीं होता ना, तुम अपने शौहर के साथ हो, झूठ नहीं बोलना। तो चुप रहना खाली, मैं बोल दूंगा। अच्छा चलो आइसक्रीम खाते। अरे अम्मा 9 बजने वाले, अभी तक भाई का कुछ अता पता नहीं है। अरे भाई हो सकता है भाभी के घर वालों ने खाने पे रोक लिया हो। रोक लिया हो, गरीब लोग हैं बेचारे, चाय पे टर खा देंगे बस। और नहीं तो क्या अम्मा, पता नहीं भाई अगर खाना खा कर आएगा तो हम तो खाली खुली भूखे रह जाएंगे, मुझे तो बहुत सख्त भूख लगी है। ये तो ठीक है, लेकिन अगर उसको रुकना था तो बता देता कि भाई नहीं आ रहे। भाई एक ही दिन में इस कदर गैर जिम्मेदार हो गया ये लड़का के क्या करूं मैं इसका। इतनी मुश्किल से तो बीवी हाथ लगी है अम्मा, कैसे उसके नखरे नहीं उठाएंगे। सच है बिल्कुल। अच्छा तू ऐसा कर, तू फोन मिला, मैं जरा खबर लेती हूँ उसकी। उर्वा का कांटा तो हट गया मेरे रास्ते से, अब फुप्पो और हसाम को ऐसा सोचने पर मजबूर करने के लिए भी जल्दी मुझे कुछ करना होगा। असल में मुझे हल्के कलर के और हल्के काम के सूट पसंद है, इसीलिए अम्मी ने मेरे लिए ये सब बनाए। मैं तो एक दफा भी बाजार नहीं गई थी। पैसे बचाए होंगे ना उन्होंने, वरना जहेज और बरी में ऐसे सूट रखता है कोई। अब मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर है? क्यों नहीं होगी तुम्हारी शादी, तुम्हें किस चीज की कमी है? कमी ना होती तो शादी हो जाती ना। अज़र मेरी ख्वाहिश है कि हसाम को तुम अपनी फजंदी में ले लो।